वेलकम टू इटिस स्टोर। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हो ISL के बारे में, और उसी के साथ साथ अगर बात करें भाई नॉर्थ यूनाइटेड FC की दो नए प्लेयर के बारे में। एक ही मिजोरम से बिलोंग करते हैं एक प्लेयर, दूसरा जो प्लेयर रह सकते हैं वो है इससे पहले जो कि हमें खेलते हुए देखने को मिला था ATK मोहन बगान में। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, दोनों प्लेयर के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें इंडिया वर्सेस UAE के साथ जो मैच हुआ था भाई 29 वर्ष को, उस मैच में क्या रिजल्ट आया था और क्या हुआ इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। उसी के साथ साथ अगर बात करें हैदराबाद FC ने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, बहुत ही अच्छा भाई कॉन्सेप्ट ले लिया, इसके बारे में भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। जो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। अगर आप ISL का फैन हो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का फैन हो, अगर आप भाई टीम इंडिया की फैन हो, या फिर आप हो हैदराबाद FC का बहुत बड़ा फैन, तो आपके लिए वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ, देखते हैं डिटेल्स में आखिरकार इस छोटी सी वीडियो में क्या क्या अपडेट है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC का फैन हो तो आपको मैं बोलूँगा कि ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि भाई गुड न्यूज़ से गुड न्यूज़ है। मतलब अगर देखा जाए सबसे पहला जो अपडेट आ जाता है वो है हैदराबाद FC की तरफ से। भाई हैदराबाद FC ऐसा एक टीम है जिसने भाई नई नई जो भी कॉन्सेप्ट है शुरुआत करते हैं, और इधर अगर देखा जाए हैदराबाद FC ने क्या क्या ओपन ट्रायल शुरू कर दिया। आसपास के जितने भी प्लेयर है, चाहे वो लोकल प्लेयर हो या फिर इधर थोड़ा मतलब दूर की भी प्लेयर हो, उनको भाई ओपन ट्रायल के लिए भाई चांस दे दिया। कोई भी प्लेयर ओपन ट्रायल कर सकता है, उसमें अगर पास हो जाए तो हैदराबाद FC के टीम के साथ वो खेल पाएगा। देखिए भाई कितनी बड़े बड़े, जैसे ISL की टीम है हैदराबाद FC, उसमें अगर आप जाके भाई अच्छा खेल दिखाओगे, अगर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो कि हैदराबाद FC के कोच या फिर हैदराबाद FC की टीम को पसंद आ जाए, तो आगे जाके आप हैदराबाद FC में भी खेल सकते हो। तो काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक प्लेयर को, जो भी अच्छा खेल रहा है, जिसके पास अनुभव है, जिसके एक्सपीरियंस है, वो सारे प्लेयर भाई हैदराबाद FC में जाके, मतलब अगर बात करें हैदराबाद FC की टीम के साथ ट्रायल दे सकते हैं। और अगर पास हो जाए तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो बाकी अगर देखा जाए हैदराबाद FC ने बहुत ही अच्छा काम करा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आगे मुझे लगता है भाई हर एक टीम ऐसा करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो कि काफ़ी अच्छा खेल दिखा सकता है, लेकिन उनको भाई वो मौका नहीं मिलते। तो ऐसे में अगर बात करें हैदराबाद FC जैसा अगर बाकी टीमों भी काम करे तो अच्छे अच्छे प्लेयर उनको मिलने वाला है। तो ये था भाई हैदराबाद FC का न्यू कौन से। बाकी अगर देखा जाए मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, आपको कैसा लगा बता सकते हैं नीचे कमेंट पे। नेक्स्ट जो अपडेट आ जाते हैं वो इस अपडेट के बारे में अगर बात करें, 29 मार्च को इंडिया वर्सेस UAE के साथ मैच हुआ था, जहां अगर देखा जाए इंडिया ने एक भी गोल नहीं डाल पाया। UAE के बारे में अगर बात करें जो कि 5 गोल डाला, और इधर से हमें भाई ऐसा हमें अनुभव हुआ, ऐसा हमें लगा कि भाई टीम इंडिया जो है अभी भी तैयार नहीं है, और आगे जाके और भी खेल को इम्प्रूव करना होगा, और भी खेल को मतलब भाई सीखना होगा, और भी मेहनत करना होगा। मतलब अगर देखा जाए भाई ये जो मैच था बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच, क्योंकि भाई UAE ऐसा एक टीम है, अगर इंडिया UAE को हरा देते तो लगभग हमें ऐसा लगता है कि भाई अभी टीम इंडिया जो कि इंटरनेशनल लेवल में एक बहुत ही अच्छे पोजीशन में पहुंच चुका है। और अगर बात करें भाई UAE जो कि भाई एक बहुत ही अच्छी टीम है, और UAE को हराना इंडिया के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, लेकिन अगर बात करें भाई कोशिश करना होगा, और आगे जाके UAE को हम बुरी तरह हराएंगे तभी जाके हमें ऐसा लगेगा कि भाई टीम इंडिया की जो टीम है वो काफ़ी मजबूत बन चुका है, और आगे जाके नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल मैच हो काफ़ी अच्छे हम खेल पाएंगे। फिलहाल अगर बात करें इस मैच को देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा है थोड़ा सा और भी हमें प्रैक्टिस वगैरह या फिर अगर बात करें अच्छे कोचिंग की ज़रूरत है। बाकी अगर बात करें भाई टीम इंडिया बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्द बहुत ही मजबूत टीम बने। हालांकि अगर बात करें इस टाइम पे भी एक मजबूत टीम ही है, लेकिन अगर देखा जाए लास्ट जो रिजल्ट हमने देखा उस रिजल्ट से हमें थोड़ा सा ऐसा फील हुआ कि भाई अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो नेक्स्ट अगर बात करें
नेक्स्ट जो अपडेट आ जाते हैं वो है नोटिस यूनाइटेड एफसी की तरफ से। हालांकि अगर बात करें अपडेट एक्चुअली एटीके की तरफ से, लेकिन गुड न्यूज़ है नोटिस यूनाइटेड एफसी की। मतलब अगर देखा जाए एटीके मोहन बगान की प्लेयर जी हाँ कोमल टाटल जी हाँ एक बहुत अच्छा प्लेयर है। और इस प्लेयर के बारे में अगर बात करें जो कि र्यूमर्स आ चुका है, जो कि भाई टकरा र्यूमर्स है, वो एटीके मोहन बगान से लीव लेने जा रहा है। और सुनने को मिल रहा है कि नोटिस यूनाइटेड एफसी में ज्वाइन करने वाला है आगे जाके। तो इसके ऊपर हालांकि अभी तक कोई खास अपडेट नहीं है, हालांकि अभी तक अगर देखा जाए कोई ऐसा अपडेट हमें नहीं मिला कि ये प्लेयर आने वाला ही है। लेकिन जो भी अपडेट हमें मिल रहा है, जो भी हमें सुनने को मिल रहा है, उस हिसाब से अगर बात करें भाई नोटिस यूनाइटेड एफसी शायद इस प्लेयर को साइन करने वाला है। बाकी अगर बात करें ये अपडेट मुझे मिला है ट्रांसफर मार्केट में, जहाँ अगर देखा जाए ट्रांसफर मार्केट एक बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है। तो इससे हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि भाई नोटिस यूनाइटेड एफसी कुछ ना कुछ तो सोच रहा है इस प्लेयर के ऊपर। नेक्स्ट जो अपडेट आ जाता है वो है जैसा कि तरफ से जी हाँ एक बहुत अच्छा प्लेयर है, इससे पहले जो कि हमें खेलते हुए देखने को मिला इस बंगाल में काफ़ी अच्छा खेल दिखाया। और इस प्लेयर के बारे में अगर बात करें जो कि एज है 30 ईयर्स, मिजोरम से बिलोंग करते हैं और खेल लेते हैं भाई फॉरवर्ड में और बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये जो प्लेयर है वो ईस्ट बंगाल से नोटिस यूनाइटेड एफसी ट्रांसफर शायद हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो कि भाई र्यूमर्स आ रहा है और बहुत ही मतलब अगर देखा जाए बहुत बड़े बड़े वेबसाइट में भी ऐसा सुनने को मिल रहा है कि ये प्लेयर आगे जाके शायद जे जो है वो नोटिस यूनाइटेड एफसी में आने वाला है। हालांकि अगर बात करें अभी तक इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल अपडेट या फिर कॉन्फर्म अपडेट नहीं है, लेकिन फिलहाल जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो ट्रांसफर मार्केट की जरिए। ट्रांसफर मार्केट आपको फिर से बता देता हूँ एक बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है जहाँ से कोई भी इन्फॉर्मेशन फेक नहीं होते। तो ऐसे में अगर बात करें जे जो कि शायद आगे जाके नोटिस यूनाइटेड एफसी में आने वाला है, ये जो मतलब र्यूमर्स है शायद आगे जाके कॉन्फर्म भी हो सकता है। तो फिलहाल ये था सारा अपडेट। अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट फ्रेश वीडियो में।